मुरली की तान, उठ जागरे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार ईश्वरीय मधुर महावाक्य हैं 14 अगस्त 2023। आज की मुरली के सार में बाबा ने स्मृति दिलाई कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को विकर्माजीत बनाने के लिए। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। फिर कहा कि आत्मा पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, उससे छूटने की विधि बताई। बाबा कहे, हे ब्राह्मणों, हे मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे पास जो यह 5 विकार है, यह मुझे दान में दे दो। आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना। मन में माया के तूफान बल आएंगे, लेकिन कर्म और व्यवहार में नहीं आना है। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि वैद्य लोग जब दवाई देते हैं तो कहते हैं कि पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेंगी, इसमें डरना नहीं है। यहाँ भी सुप्रीम सर्जन शिव बाबा कहते हैं माया के तूफानों से डरना नहीं है। फिर भविष्य तख्त नशीन बनने के लिए कहा, फॉलो फादर मदर। ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था सब कुछ ईश्वरीय सेवा अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, शिव बाबा को अपना वारिस बना दिया, तो उनके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही ली। ऐसे बाप समान सपूत मददगार बन, अपने तन मन धन से भारत की सेवा करनी है। बाप दादा से सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है। फिर एक विशेष राय देते हुए कहा कि अच्छा, तुम खुद मुरली नहीं पढ़ सकते हैं, समय नहीं है, समझ नहीं सकते हैं, तो अपने घर में एक रूहानी हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो, और बहुत लोग आएंगे तो शफा पाएंगे, उसका इजाफा तुमको मिलेगा। सुनते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण। आज मुरली से प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है। सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। आज मुरली में गीत बजा, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस पुराने दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। कौन सा बाप है? बाबा कहते हैं, कौन सा बाप है जिनकी गोद ली है? परम पिता, परम आत्मा, माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो, बाबा ज्योतिर्लिंगम है, अथाह ज्योति स्वरूप है, हजारों सूर्यों से तेजोमय है। यह कहना वास्तव में रॉन्ग है। क्या कहना है? बाबा कहते, ऐसे नहीं कहना है, तो क्या कहना है? परम पिता परमात्मा यानी परम आत्मा, वह सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंचे ते ऊंच, इनकॉर्पोरियल फादर, वह सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। बाबा कहते, जब परिचय देते हैं तो इन इन पॉइंट्स को समझाना है। समझाते हैं, बच्चे मैं भी अगर जन्म मरण के चक्र में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सभी को दुखों से पार कर ले जाता हूं। दुख हरता और सुख देने वाला मैं हूं, परंतु जानते नहीं हैं, भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं। ओ परम पिता परमात्मा, जरूर समझते हैं वह फादर हैं, परंतु हमारा बाप कैसे हैं, वह क्या चीज़ है, यह नहीं जानते। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वह तो इन आँखों से देखने में आते हैं। बाकी यह शिव कौन है? शिव के मंदिर में जाते हैं,
परंतु उनको क्यों याद करते हैं यह नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते। बाबा कहते, भक्ति मार्ग में जब मुझे याद करते हैं, मेरे यादगार में मंदिर बनाते हैं, तो नाम तो यथार्थ हैं, लेकिन पहचानते नहीं। अगर भक्ति में पहचान कर मंदिर बनाते तो मंदिर के साथ साथ शिव बाबा की बायोग्राफी को भी सबको बतलाते। ड्रामा में नोंद ही न जानने की है। जानना अर्थात वर्षा पाना, न जानना अर्थात वर्षा गवाना। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ, फिर पांच विकार तुमको पतित बनाते हैं, कलाएं कमती होती जाती हैं, तुम काले पतित हो जाते हो। पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है। बाप कहते हैं, दे दान तो छुटे ग्रहण। बाबा कहते हैं, आत्मा पर जो ग्रहण लगा हुआ है उसको उतारने के लिए जिसका ग्रहण लगा हुआ है उसी को ही दान करना है, अर्थात पांच विकारों का दान करना है। पांच विकार को ही ग्रहण कहा जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाप कहते हैं, मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ, हे ब्राह्मणों। बाबा कहते, हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पास जो यह पांच विकार हैं, यह मुझे दान में दे दो तो ग्रहण छूटे। आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। बाबा दान का भावार्थ बता रहे हैं कि एक बार बाबा को दे दिया तो उसको फिर कर्म में व्यवहार में नहीं लाना, अर्थात माया उस कर्म को करने के लिए उकसाएंगी, लेकिन फिर भी कर्म में नहीं आने देना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति तुमको समझाता हूँ, तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विकर्माजीत बनाता हूँ, यह तो राहु का ग्रहण है, दे दान तो छुटे ग्रहण। बाप कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, यह पांच भूतों का दान दो, इसमें पैसे आदि की तो कोई बात नहीं, यह तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो, बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो मैं तो सदैव तुम बच्चों की मदद करूँगा ही। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो, बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। बाप कहते हैं, यह सब कुछ तुम बच्चों का है, भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़े ही है, यह तुम इंश्योर करते हो। ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको देगा, यह इंश्योर करना हुआ ना, जैसे लौकिक में इंश्योरेंस होता है, एक का कई गुना रिटर्न होके मिलता है, ऐसे बाबा कहते तुम बच्चे इस जन्म में मुझे इंश्योर करते हो तो उसका पदम गुणा करके तुम बच्चों को रिटर्न देता हूँ, दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। ईश्वर है दाता, अभी तुम अपने को इंश्योर करते हो 21 जन्म लिए, वह इंश्योर करते हैं एक जन्म के लिए। यहाँ तो सब कुछ इंश्योर हो जाता है 21 जन्मों के लिए। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई कि वहाँ तो सिर्फ धन को इंश्योर करते हैं, लेकिन यहाँ तुम समय संकल्प श्वास सब कुछ इंश्योर करते हो, अर्थात हम बाप के बनते हैं तो हमारा सब कुछ ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाता है। कहा जाता है सन शोज फादर, देखो फादर ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था सब ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया, तो उनके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट है ना, तुम मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, देह सहित सब कुछ बलि चढ़ना है, जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर भी बैठेंगे। तो बाप कहते हैं, दे दान तो छुटे ग्रहण, दान देकर और फिर अगर वापस ले लिया तो दुर्गति को पाएंगे, पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते तो नंबर भी लेते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर ऊंच नंबर लो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है,
खुशी का पारा भी चढ़ता है। बाबा कहते जो पवित्र बनने की धारणा करने का संकल्प करता है उन बच्चों को बाबा बल भी देते हैं और उनका खुशी का पारा सदा चढ़ा रहता है। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। सोला कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो तो माया भी कहती है अभी यह निर्विकारी बनते हैं, हम भी विकारी बनाता हूँ। अर्थात बाबा कहते हैं माया भी सामना करती है। यह चलती है माया की युद्ध, यह है मुश्किलात, माया पर जीत पानी है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाई, खंडन कर दिया है। तुम माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते हैं बाप को पांच विकार दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। तो बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए, मैंने कर्म इंद्रियों से तो कुछ नहीं किया, माया के तूफान तो आगे से भी जबरदस्त आएंगे। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं कि पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेंगी, इसमें डरना नहीं है, यह तो आएंगे, यह भी सर्जन है। बाबा कहते जैसे वो सर्जन कहते हैं बीमारी बाहर निकलेंगी, ऐसे ये सुप्रीम सर्जन शिव बाबा भी कहते हैं कि माया आएंगी। कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होंगी, माया खूब वार करने लगेंगी, इसलिए तूफान से डरना नहीं है। बाप के बने हो तो यह बचपन भूल नहीं जाना। बाबा कहते हैं ईश्वरीय बचपन की अनुभूति कभी भूल नहीं जाना, क्योंकि यही अनुभूति आगे पुरुषार्थ कराती है। यह है ईश्वरीय बचपन, ईश्वर की गोद में एक बार आए, फिर देवताई गोद में 21 बार जाएंगे। ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो, सर्टिफिकेट लेना है। बाबा हम आपका सपूत बच्चा हूँ या कपूत, तो बाबा बतला सकते हैं। सपूत भी किस नंबर में हो, क्या खामी है, बाबा बतला सकते हैं। खुद भी समझ सकते हैं कि हम सर्विस नहीं करते तो इतना ऊंच पद कैसे पाएंगे। अच्छा बाबा कहते हैं तुम क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो, भले तुम इसमें जाना नहीं और बहुत लोग शफा पाएंगे तो उसका इजाफा तुमको मिलेगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे और दूसरे जन्म में उसको अच्छा महल मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं, यह हॉस्पिटल खोलो हम मदद देंगे, बड़ी हॉस्पिटल खोलो, अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं तो अच्छा तीन पैर पृथ्वी के लेकर यह हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, कॉलेज से एवर वेल्दी बनते हैं, बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा, जास्ती खर्चा भी नहीं है। बाबा कहते हैं अगर खुद ज्ञान नहीं उठा सकते लेकिन सेंटर खोलकर अनेकों का कल्याण करेंगे, जहां अनेक आत्माएं श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगी, तो उसका भी पुण्य खोलने वाले को मिलता है। बाबा कहते जास्ती खर्चा भी नहीं है। आजकल पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों के आसामी हैं, क्या उनके पुत्र पोतरे खाएंगे। बाबा कहते धूर भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा, राजाएं गरीबों को मिलती है, गरीब निवास है ना। यह ब्रह्मा बाबा नंबर 1 साधारण था, 1002 है तो उनको गरीब कहेंगे। यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं, किसी का लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे। गरीबों की पाई पाई से ही स्थापना करते हैं। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफें सहन की, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। बाप कहते हैं तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राजाई देंगे, यह राज्य तो मृग तृष्णा सदृश है। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वह आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा, तो द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, यह तो रुण्य का पानी मृग तृष्णा है। सभी समझते हैं हमने स्वराज्य पा लिया है, परंतु कितना दुख है, प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है। बाबा कहते देशवासी समझते हैं कि हमने दूसरों से अपना राज्य वापस ले लिया, परंतु दुख तो समाप्त नहीं हुआ ना। बाप कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, तुमको फिर परिस्तान बनाना है, हीरे मोतियों के महल बनाएंगे, यहाँ तो यह पत्थर पूरी है, वहाँ सतयुग में होंगी सोने की। इसलिए बाबा समझाते हैं दे दान तो छुटे ग्रहण, फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे,
अभी तुम पतित हो, मनुष्य कितने दुखी हैं, लड़ाई लगती है तो नींद फिट जाती है, आराम नहीं आता है, नींद की गोली लेकर नींद करते हैं। यह है ही रावण राज्य। अभी दशहरा पर रावण को जलाएंगे, यह अंत तक जलाते रहेंगे जब तक के विनाश हो। विनाश के बाद फिर रावण को जलाएंगे नहीं, फिर द्वापर के बाद रावण निकालते हैं जलाने के लिए। साल साल रावण को जलाते हैं परंतु मरता ही नहीं। साल साल तुम रक्षाबंधन मनाती हो, राखी बांधती हो, फिर अपवित्र बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास तो कितना अथाह धन है, कितनी उन्होंने की पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़े ही करते हैं, चतुर्भुज की करते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। लक्ष्मी के साथ नारायण तो जरूर चाहिए, इसलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी बिगर काम कैसे चलाएंगे, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे पूछते हैं दिवाली पर, सब कहते हैं अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा, इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे इसमें भी साक्षी होकर पार्ट बजाओ, नहीं तो खिट खिट होंगी। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे की शादी करानी है तो साक्षी होकर पार्ट बजाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो, पवित्र रहना नहीं चाहती तो रवाना कर देना है, तंग नहीं करना है। अर्थात बाबा कहते हैं निमित बनकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, तुम्हारा धंधा ही है सबको स्वर्ग का मालिक बनाना। दिल से पूछो हम कितनों को आप समान बनाते हैं, मिशन है ना। यहाँ तुम मनुष्य को देवता बनाते हो तो बहुत मेहनत करनी चाहिए, तुम खुदाई खिदमतगार हो। मैं तुमको दुख से छुड़ाई स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं हूँ ही निष्काम। बाबा कहते हैं मैं हूँ ही निष्काम सेवाधारी, तुमको राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं है, तुमको राज्य देता हूँ, तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, 84 जन्म पास कर आज हम रावण के संप्रदाय बने। रावण को हमेशा जलाते हैं, रावण की कभी पूजा नहीं करते हैं। जो सुख देता है उनको पूजा जाता है। रावण का चित्र बनाया और जलाया, वह तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे। शिव बाबा है सुखदाता, उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं। ऑक्यूपेशन तो कुछ भी नहीं जानते, आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते हैं जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है ऐसे बाप को भूल नहीं जाना, फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में तो आएंगे परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा, ईश्वर का बनकर इस बचपन को भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदल तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर देवी संतान बनेंगे। यह है ईश्वरीय जन्म। इस समय तुम सेवाधारी हो, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। शुरू में बाबा ने गीत सुनाया और लास्ट में बाबा ने स्मृति दिलाई कि इस ईश्वरीय बचपन को कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि जो हमारा ईश्वरीय बचपन है अर्थात शुरू का जो हमारा उमंग उत्साह नशा है, वो अगर सदा स्मृति में रहेगा तो हमारा पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, ईश्वरीय जन्म ले, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, सपूत बच्चा बनना है, अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। दूसरा, खुदाई खिदमतगार बन, रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। तीन पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, कर्म योगी बन, हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले, चिंता मुक्त भव।
कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भाव। स्पष्टीकरण है, कई बच्चों को कमाने की परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्म योगी बन काम करो तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा तो भी चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कर्म रूपी बीज जैसा बोएंगे वैसा ही फल निकलेगा, क्योंकि कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म योगी बनकर चिंता मुक्त होकर कर्म करेंगे तो कर्म का फल भी वैसा ही मिलेगा, चिंता मुक्त और खुशी वाला, अर्थात स्किलफुल कर्म होगा और वह कर्म सफलता दिलाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा संकल्प रूपी बीज श्रेष्ठ होना चाहिए तो फल भी श्रेष्ठ मिलेगा। आज का स्लोगन है, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।